वालेकुम जी। अभी करंटली आई एम सिटिंग इन लालाजार। तो आज का सीन ये है कि आज हम बेसिकली जा रहे हैं लिटरेरी फेस्टिवल अलहमरा हॉल। तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माय फ्रेंड्स और मेंबर्स, सो उसके बाद फिर हम निकलेंगे। अलहमरा हॉल, तो मेरे साथ हमजा सईद, हमारे मारूफ शायर, शायर मशरक। तो ये यार मजाक में कह रहा हूँ, हमारे अच्छे शायर है। तो बहुत यहाँ पे क्या है, बुक्स हैं जो कि मैं देखने जा रहा हूं। बुक्स और काफ़ी चीज़ें हैं, वो आपको आस्ते आस्ते दिखाते चलते हैं। हम आए हैं यहाँ पे, तीन हॉल हैं और तीनों अलग अलग हॉल में अलग अलग चीज़ें चल रही हैं। तो सबसे पहले हम आए हैं हॉल नंबर 1 में, तो वहाँ पे अमजद इस्लाम अमजद के बारे में सेशन है, तो वो अटेंड करते हैं। हम इनकी फलसफियाना गुफ्तगू भी सुन चुके हैं और इनकी अदीबाना रंग भी देख चुके हैं, और इसके साथ ही डॉक्टर सुकरा सदर साहब तशरीफ रखती हैं। अमजद इस्लाम अमजद का सेशन लेने के बाद हम आखिरी 10 मिनट में पहुंचे हॉल नंबर 2 में, जहां ज़िया मोहिउद्दीन साहब की फैमिली मौजूद थी और उनके बारे में गुफ्तगू कर रही थी। स्पेशल 250 रुपीस के हम एक तरह का पानी वो पहले पी गया था। ये भी मैं खा तो वैद ने उसने नहीं खाया क्योंकि वो कहता है कि मेरा पेट ख़राब होता है। क्यों वैद? यार मेरा पेट नहीं, मेरे जो है ना हमेशा गला ख़राब हो जाता है, बुखार वगैरह हो जाते हैं, तो मैं नहीं खाता। अभी अभी हमारी 3 हैं हॉल, मैंने मुशायरा देखना है, उबैद ने कुछ और देखना है, बाकी कुछ और देखने हैं, ब्रिटिश अनटोल्ड स्टोरीज देखने हैं, और वो है अच्छी चीज़। तो अब हमने दरमियान वाला रास्ता निकाला है, तो हमने एक ऐसी चीज़ देखनी है जो हम किसी ने भी नहीं देखनी। थिंग्स गोइंग ऑन, तो यार इतनी डाइवर्सिटी है ना, तो बिकॉज सारे आर्ट से लिटरेचर लोग हैं, तो आपको हर बंदा डिफरेंट टाइप का यहाँ पे नज़र आएगा। लाइक हम तो सिंपल लोग हैं यार, कहीं भी नहीं स्टैंड करते। कि सबसे पहले हम 3 बजे आए हैं और 3 बजे हम हॉल 1 में गए हैं कि वहाँ अमजद इस्लाम अमजद की जो लाइफ थी उसके बारे में वो सारा बताया, कि जब उन्होंने स्ट्रगल किया, लिखना शुरू किया, और किस तरह उनका जो दुरूज का या पॉपुलैरिटी का टाइम था वो आया, और किस तरह उनकी मकबूलियत दर्जा व दर्जा के चलती। तो उसके बाद हम आखिरी 10 मिनट गए हॉल नंबर 2 में, जिया वहाँ जिया मोहिउद्दीन साहब के बारे में। फैमिली थे उनके जो पोते, इस तरह उनकी फैमिली के मेम्बर ही थे मोस्टली, जिन्होंने बेसिकली बताया कि वो उनके लाइफ के बारे में इस तरह चीज़ें बताई। फिर उनके पापा थे और अपने काम से कितना आखिर दिन तक वो आई दिखाई 93 एज के थे और तब तक वो काम करते रहे। फिर हम हॉल 2 में आए वापस, तो वापस आके हुआ ये कि मंटो के बारे में शुरू हो गए। मंटो एतराज़ ये है कि मंटो उर्दू का बंदा था लेकिन सारी अंग्रेज़ी पढ़ी आ रहे थे आके। नहीं बेसिकली उन्होंने ट्रांसलेट बेसिकली जो था ना था बहुत इंटरेस्टिंग, ठीक है, इस आदमी को समझ नहीं आती। इसमें तो अभी ऑल 3 में जाने, तो अभी बड़ा कन्फ्लिक्टिंग मामला चल रहा है, कोई कहता उसमें जाने के इशू ये है कि उबैद चाहता है कि हम अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ब्रिटिश देखने जाएं। मैं चाहता हूँ, ये चाह रहे हैं भाई साहब कि हम मजाया मुशायरा, और बाकी लोग चाह रहे हैं कि हम कंजे कफस ये काट दें यार जो नहीं चलो डाल दें। तो अभी चलो हम कंजे कफस आखिर में डिसाइड किया उधर चलो। दिल वाला भेद में भी खोले आए रज, वाह वाह, दिल वाला भेद में भी खोले आए रज के, तो चंगा पढ़ाई सानू हो गया है रज के, रज के। और बंदा दसो जी ने झूठी गल है फैलाई, 10 मिनट बाद और सिद्धि जी पढ़ाई है, बंदा दसो जी ने झूठी गल है फैलाई है,
दसवीं के बाद बड़ी सी दीदी पढ़ाई है। और जिन्हें मुंह ने उन्हीं नसीता बखो आखल है, जिन्हें मुंह ने उन्हीं नसीता बखो आखल है, छेवी फिर कहता मेरी मन से ऐसा रख दसो गुरु तेरे वाले दुपड़े सुनावा मेरे हक मारे सारे अबे ते भरावा आखा जे भरा नो भग जैन बन जाती ओए आखा जे भरा नो भाभी डैड बन जाती है मेरी वाली हर कुड़ी भैन बन जाती है। जी अब हम तो भाई हम कहाँ पहुँच गए, हम सेवर हैं और खाना शुरू करने लगे हैं, तो बराए मेहरबानी इसको रख दीजिए। इसी के साथ हम इवेंट अटेंड करके यूनिवर्सिटी वापस पहुँच गए।